अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के सामने कुछ कागज रखे हुए हैं, उनमें से एक कागज आप लीजिए। हाँ, अब मरियम और आप दोनों के पास एक एक कागज है जिस पर एक शक्ल बनी हुई है। कौन सी शक्ल के कागज है? ये दो अरबतुल अज़ला के कागज है। इसमें कितने सिरे हैं? चार। और जाविये कितने हैं? चार। यानी चार जिले और चार जावियों वाली बंदी शक्ल ये आप लोगों के हाथ में है। इसे हम सूरह अरबतुल अज़ला कहते हैं, है ना। ये उसकी तारीफ भी है कि चार जिलों और चार जावियों वाली बंद शक्ल को हम सूरह अरबतुल अज़ला कहते हैं। अब हम आज एक एक्टिविटी करते हैं आपके सामने। जो सूरह अरबतुल अज़ला रखे हैं दोनों के, आसमा के पास ए बी सी डी और मरियम के पास पी क्यू आर एस, ऐसे दो सूरह अरबतुल अज़ला मौजूद है। अब इसमें हर एक ज़ुर्रतुल अज़ला के चार चार रास है। जैसा आसमा आपके ज़ुर्रतुल अज़ला के चार रास, मुझे नाम बताओ। मरियम आपके शाबाश, बहुत अच्छे। आसमा के पास ए बी सी डी, ये चार रासों वाला एक ज़ुर्रतुल अज़ला है। और मरियम के पास पी क्यू आर एस, ये रासों वाला एक ज़ुर्रतुल अज़ला है। अब इस ज़ुर्रतुल अज़ला में मुकाबिल के रास हम किसे कहेंगे? पी और आर, शाबाश। शाबाश ये भी। और इसमें और कौन से मुकाबिल के रास हो सकते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं कि मुकाबिल के रास को एक दूसरे के ऊपर से मिलाकर इस कागज की तय करते हैं। आसमा ने ए और सी और मरियम आपने पी और आ, इन दो रासों को एक दूसरे के ऊपर तय किया। बहुत अच्छे, शाबाश। रखो उसको नीचे। अब ये एक शक्ल नज़र आ रही है आपको, है ना। ये कौन सी शक्ल बन गई? मुसल्लस की शक्ल बन गई, शाबाश, बहुत अच्छी। ये एक मुसल्लस है और ये भी एक मुसल्लस है। लेकिन अब हम जब इसको खोलेंगे तो आप लोगों ने जो तय किया उस तय पर आपको एक लाइन नज़र आई, नज़र आ रही ना। ये लाइन आपको आपके इसमें भी मरियम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक लाइन नज़र आ रही होंगी। तो ये जो लाइन है, यानी आपने अगर ए और डी को एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक किया तो हमारे ऊपर हमारे पास में बी और डी यहाँ पर एक लाइन नज़र आ गई। इसे हम किता खत कहते हैं, है ना। रियाजियाती ज़बान में इसे किता खत कहेंगे क्योंकि दो नुकात के दरमियान में खींची गई लकीर है। अब ये किता खत का नाम क्या हो जाएगा? किता खत बी डी और आपका किता खत एस क्यू या क्यू या क्यू एस या एस क्यू, दोनों तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। तो ये जो किता खत आपके सामने तैयार हुआ इस शक्ल में, ये कहलाता है ज़ू अरबतुल अज़ला का वित्र। क्या कहलाता है? ज़ू अरबतुल अज़ला का वित्र। अब ज़ू अरबतुल अज़ला में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वित्र खींच सकते हैं? अब जिस तरीके से आपने पी और आर को एक दूसरे पे तय किया था, आप बी और एस को एक दूसरे पे तय कीजिए। कीजिए तय उसको और खोल दीजिए। यानी ये भी दो रासों को मिलाने वाला एक खत और एक बन गया, है ना। जिस तरीके से पहले एक खत बना था उसी तरीके से अब दूसरा खत बन गया। इसके अलावा और कोई इसमें हम दो मुकाबिल के नुकतों को मिला सकते क्या? नहीं मिला सकते। यानी हमारे पास एक ज़ुर्रतुल अज़ला के अंदर कितने वित्र आ गए? दो वित्र आ गए। यानी एक ज़ुर्रतुल अज़ला में दो वित्र होते हैं। शाबाश, बहुत।